सर्दी गर्मी तो आती जाती रहेगी, लेकिन जो मैटर करता है वो है आपकी हेल्थ। तो उसके लिए ऐसे हेल्दी लड्डू बनाए हैं मैंने कि जो आपको थ्रू आउट द ईयर हेल्दी रखेंगे। इसमें इंग्रेडिएंट इस तरह के हैं कि आपको प्रोटीन भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, मैगनीज भी मिलेगा। तो उसका सबसे पहला इंग्रेडिएंट है भुने हुए चने। हम इसको थोड़ा सा रब कर लेंगे, लेकिन हमें इसका ज़्यादा छिलका नहीं निकालना है। उसके बाद फटकने के बाद मैं इसको पीस लूँगी, और ये छिलकों को हम फेंकेंगे नहीं, इनको पीस कर अपने आटे में मिला लेंगे। जब मैंने इसको पीस लिया चनों को, उसके बाद मैंने मोटी छन्नी से छाना, उसके बाद मैंने जब वेट किया तो ये चनों का आटा था पूरा आधा किलो। और उसके अलावा ये है 50 ग्राम मखाने, और ये बहुत अच्छा सोर्स होता है कमर में दर्द अगर आपके हो, कैल्शियम की कमी हो, तो आप मखाने देसी घी में फ्राई करके खाया कीजिए। अच्छा, ये है 1 किलो एलोवेरा जेल, जिसे मैंने 100 ग्राम घी के अंदर फ्राई करके रख लिया था। इसे मैंने कैसे तैयार किया था इसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसका लिंक आप उसे देख लीजिएगा। और ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। उसके अलावा मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ी थी, 50 ग्राम थे बादाम, और ये भी बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है इसका। और उसके अलावा है ये सूरजमुखी के या सनफ्लावर सीड्स, 30 ग्राम है ये। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए, और इतने जिस ग्राम से मैंने आपको बताया है उतने ही होने चाहिए। अदरवाइज इसमें शक्कर में और बेसन की क्वांटिटी में जो है ना गड़बड़ हो जाएगी। और ये लिया हमने 30 ग्राम गोंद, और ये है 30 ग्राम कद्दू के बीज। आप चाहें तो इसकी जगह मगज भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप कद्दू के बीज और सनफ्लावर सीड्स ही लें, क्योंकि इससे ही आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके अलावा मैं, अगर मेरे पास अखरोट होते तो मैं 50 ग्राम अखरोट लेती, लेकिन मेरे पास थे नहीं वो, तो मैंने काजू लिए हैं। अगर आपके पास अखरोट होना तो आप अखरोट लीजिएगा 50 ग्राम। और इसके अलावा लिए हैं मैंने 2 टेबल स्पून तिल सफ़ेद वाले, और ये है 300 ग्राम कच्ची खांड। और मैं कितनी डालूंगी एग्जैक्ट ये मैं आपको उसी वक्त बताऊंगी। और इसके अलावा है कुछ मसाले, 2 टेबलस्पून है पिसी हुई सौंफ, 2 टीस्पून है पिसी हुई अदरक सूखी हुई, और 1/2 टीस्पून है वाइट पेपर या सफ़ेद मिर्च, और 1 टीस्पून भर कर ली है मैंने हल्दी। बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, इनको स्किप मत कीजिएगा। अब इधर लिया है मैंने, ये लगभग 50 ग्राम घी था, उसमें हम सारी चीज़ें अपनी फ्राई कर लेंगे, जितने भी नट्स थे हल्की आँच पर हम इनको फ्राई करते रहेंगे। क्या आपको पता है कि लड्डुओं को पुराने ज़माने में मिठाई के तौर पर यूज़ नहीं किया जाता था, आयुर्वेद में इसको दवाई के तौर पर दिया जाता था। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि जब सिपाही पुराने ज़माने में जंग से लौट कर आया करते थे, ज़ख्मी होते थे या उनको एनर्जी ख़त्म हो जाती थी या सर्जरीज होती थी उनकी, तो उनको इस तरह के लड्डू मेडिसिन मिलाकर खिलाए जाते थे। जिस तरह से हम एनर्जी बार खाते हैं ना, अपनी एनर्जी को जल्द से जल्द बूस्ट करने के लिए, उसी तौर पर ये लड्डू खाए जाते थे पुराने ज़माने में। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा, इधर मैंने अपना गोंद भी फ्राई कर लिया है, और ये लास्ट अब आते हैं मखाने। मखानों को तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, मतलब जो क्वालिटी है ना इनकी, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि कमर में दर्द हो, कैल्शियम की कमी हो, तो आप इस तरह से इसको रेगुलर बेस पे खाएंगे ना तो आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ख़ासतौर से लिकोरिया जो होता है वो ख़त्म हो जाता है मखानों से। और अब मैं अपने चने के आटे को थोड़ी सी देर के लिए भूनूंगी, और इस प्रोसीजर में मुझे 20 से 25 मिनट लगे थे। सारी चीज़ें मिलाकर मैं इसको भूना था, घी वगैरह सब चीज़ें मैं इसमें धीरे धीरे करके ऐड करूंगी। इधर मैं मिलाऊंगी ये तिल है सफ़ेद तिल, और उसके अलावा मैंने 50 ग्राम लिया है डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा, मैं आपको बताना भूल गई थी इसके बारे में। और इसके अलावा मैं मिलाऊंगी फ्राई किया हुआ एलोवेरा जेल, 1 किलो जेल था जिसे मैंने 100 ग्राम घी में फ्राई किया था। ऐसे भून इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं पहले बिना भूने भी मैंने ये बनाए थे लड्डू, लेकिन मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो भूनने के बाद मिला। और इसके अलावा मैंने इसमें 50-50 ग्राम करके 150 ग्राम घी मिलाया था, और ये मिला दिए मैंने सारे मसाले। और अब देखिए मैं इसको मिलाती जा रही हूँ, और ये सारा जब एक जगह जुड़ने लगेगा तो इसका मतलब समझ जाइए कि हमारा मिक्सचर हो गया है तैयार। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। आगे के प्रोसीजर के लिए मैं यूज़ करूँगी फूड प्रोसेसर, उसमें ही मैं सारे अपने फ्राई किए हुए चीज़ें ऐड करके पीस लूँगी, और उसमें ही जो मैंने बेसन तैयार किया है वो भी ऐड करके घुमा लूँगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो घी होगा ना वो सारा रिलीज हो जाएगा, और लड्डू बाइंड करने में आसानी होगी। इसीलिए मेरा 150 ग्राम घी लगा है, क्योंकि मैं फूड प्रोसेसर में लड्डू बना रही हूँ। अगर आप हाथ से करेंगे ना तो आपका घी ज़्यादा लग सकता है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके लड्डू ना बाइंड होना तो आप थोड़ा थोड़ा सा घी उसमें ऐड करते रहिएगा और लड्डू बाइंड कर लीजिएगा। ये डाली है मैंने 350 ग्राम खांड, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा चक चक के। हमारे घर में मीठा कम खाया जाता है ना, तो मैंने इतनी ही डाली है।
और मेरे तैयार हो गए थे लड्डू। मैं जल्दी से जल्द से बना कर इनको आपको दिखाती हूँ। मैंने इसे सिल्वर फॉइल से भी यानी चांदी के वर्क से इसको सजाया था। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और अब मैं मिलूँगी आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।